क्या हुआ भाई, परेशान हो? 11th बर्बाद हो गई, तो जैसे कि भाई साहब 11th तो बर्बाद हो चुकी है, तो तुम परेशान होगी कि भाई अब JEE में क्या होगा, कैसे नंबर लाएंगे, इंजीनियर बनने का जो सपना था वो रह जाएगा। तो भाई साहब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या गलती रही होगी तुम्हारी, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारी 11th बर्बाद हो गई। तो पहली बात तो भाई साहब, 10th में हमें पढ़नी की आदत थी इतना, अब जैसे ही 11th में गए तो भाई साहब सब हो गया इतना, अब इतना ज़्यादा ह्यूज गैप आया, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि भाई कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कितने ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे ताकि हम इस चीज़ को टैकल कर सकें, कॉप अप कर सकें, ठीक है? तो ये एक तो समस्या आ गई, और दूसरी समस्या तुम्हारे साथ क्या है कि भाई तुमने ये सोचा कि 11th ही तो है, जस्ट पास हो जाएंगे, क्या क्या ज़रूरी है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की? नॉर्मल एफर्ट लगाते हैं, जैसे 10th पास हुई है वैसे हो जाएगा, दो चार चैप्टर आते हैं अच्छे से पढ़ेंगे, हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, 11th में तुमने देख लिया भाई साहब कितना बड़ा लेवल हो जाता है, कितना ह्यूज गैप आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के तीनों बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, और सबको डेप्थ में जानना पड़ता है ताकि तुम अच्छे से फोड़ सको। तो भाई उसके लिए जो है कैलविन लेके आया है तुम्हारे लिए, ये गलती हमें 12th में तो नहीं करनी है। तो कैलविन आपके लिए लेके आया है इस बार फुल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको पर्सनल तरीके से मेंटर किया जाएगा, गाइड करा जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो या तुम कितनी मेहनत और ज़्यादा कर सकते हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्योंकि भाई साहब अभी 11th बर्बाद हुई है जस्ट, लेकिन 12th में हमें फोड़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से केल्विन को ज्वाइन करना होगा ताकि हम लोग जो हैं बेहतरीन तरीके से फोड़ सकें, ठीक है बेटा? क्योंकि भाई साहब 12वीं में तुम कॉप अप कर सकते हो 11th का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एक बार 12वीं ख़राब हो जाए तो भाई साहब 12वीं दोबारा नहीं होती ज़िंदगी में। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो अच्छे से एकदम केल्विन को ज्वाइन करो ताकि तुम पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप ले सको हमसे, और ताकि तुम बेहतरीन तरीके से सीख सको, फोड़ सको एकदम। 12th को भी फोड़ना है बोर्ड को, और साथ साथ JEE को एकदम फोड़ देना है।